ओम शांति। 3 जून 2021 की मुरली के 11 महावाक्यों पर डालते हैं एक नजर। पहले, सुप्रीम बाबा ने दी श्रीमत, मीठे बच्चे शिव बाबा तुम्हारे फूल आदि स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि वे पूज्य व पुजारी नहीं बनते, तुम्हें भी संगम पर फूल हार नहीं पहनने हैं। दूसरा, त्रिकालदर्शी बाबा ने स्पष्ट किया भविष्य राज्य तख्त के अधिकारी कौन बनते हैं, जो अभी मात पिता के दिल तख्त को जीतने वाले हैं वही भविष्य तख्त नशीन बनते हैं। वंडर है बच्चे मात पिता पर भी विजय प्राप्त करते हैं, मेहनत कर मात पिता से भी आगे जाते हैं। तीसरा, देही अभिमानी बनने की श्रीमत देते हुए निराकार बाप बार बार कहते हैं, देह अभिमान छोड़, तुम आत्माभिमानी बनो और ऑर्गन्स द्वारा शिक्षा धारण करो। भले इस बाबा को चलते फिरते देखते हो परंतु याद शिव बाबा को करो। ऐसे ही समझो शिव बाबा ही सब कुछ करते हैं, ब्रह्मा है नहीं। भले इनका रूप इन आंखों से दिखाई पड़ता है, तुम्हारी बुद्धि शिव बाबा की तरफ जानी चाहिए। चौथा, ड्रामा के राज को स्पष्ट करते हुए ड्रामा के मुख्य एक्टर समझाते हैं, प्यारे बच्चों ड्रामा में एक बार जो शूटिंग होती है, समझो बीच में कोई पंछी आदि उड़ता है तो वही घड़ी घड़ी रिपीट होता रहेगा। पतंग उड़ता हुआ शूट हो गया तो फिर रिपीट होता रहेगा, ये भी ड्रामा का सेकंड रिपीट होता जाता है, शूट होता रहता है, ये बना बनाया ड्रामा है। तुम एक्टर्स हो, सारे ड्रामा को साक्षी हो, देखते हो, एक एक सेकंड ड्रामा अनुसार पास होता है। पत्ता हिला, ड्रामा पास हुआ, ऐसे नहीं पत्ता भगवान के हुक्म से चलता है, नहीं, ये सब ड्रामा में नोट है। पांचवा, चैतन्य फूलों पर अटेंशन खिंचवाते हुए नॉलेजफुल बाबा कहते हैं, ना मैं पुजारी हूँ ना पूज्य बनता हूँ, इसलिए मैं ना हार पहनता हूँ ना पहनाने पड़ते हैं, फिर हम क्यों फूलों को स्वीकार करें, तुम भी स्वीकार नहीं कर सकते हो। कायदे अनुसार उन देवताओं का हक है, उनकी आत्मा और शरीर पवित्र है, वही हकदार हैं फूलों के। छठा महावाक्य, भाग्य विधाता ने दिखाई सतयुग दुनिया की झलक, सिकिलत है बच्चों वहाँ कभी कोई बीमारी आदि होती नहीं, एवर हेल्थ निरोगी काया रहती है 21 जन्म के लिए, बच्चों को सब साक्षात्कार होता है, वहाँ की रस्म रिवाज कैसे चलती है, क्या ड्रेस पहनते हैं, स्वयंवर आदि कैसे होते हैं, सब बच्चों ने साक्षात्कार किया है। सातवां, स्वीट के पहाड़ ने हम बच्चों का ध्यान खिंचवाते हुए कहा, मीठे बच्चों ये है बेहद का फादर टीचर, तुम अपने को गॉडली स्टूडेंट समझो तो भी अहो सौभाग्य, गॉड फादर पढ़ाते हैं, कितना क्लियर है तो कितना मीठा बाबा है, मीठी चीज को याद किया जाता है। आठवां, बहुरूपधारी बाबा बच्चों को समझाने देते हैं, डायमंड बच्चों बाबा कहते हैं मैं कितना अच्छा धोबी हूँ, तुम्हारे वस्त्र तुम्हारी आत्मा और शरीर कितना शुद्ध बनाता हूँ, तो इनको अर्थात दादा को कभी याद नहीं करना है, ये सारा कार्य शिव बाबा का है, उनको ही याद करो, इनसे मीठा वह है। आत्मा को कहते हैं तुमको इन आंखों से ये ब्रह्मा का रथ देखने में आता है परंतु तुम याद शिव बाबा को करो, शिव बाबा इनके द्वारा तुमको कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। नौवां, ज्ञान रत्नों की धारणा करवाते हुए सुप्रीम टीचर के डायरेक्शंस, पाप के दिल रूपी तख्त पर जीत पाने का पुरुषार्थ करना है, परिवार में ट्रस्टी रहकर प्यार से सबको चलाना है, मोहजीत बनना है, योग बल से आत्मा को स्वच्छ बनाना है, इन आंखों से सब कुछ देखते हुए याद एक बाप को करना है, यहाँ फूल हार स्वीकार न कर खुशबूदार फूल बनना है। दसवां,
प्राणेश्वर बाबा ने बच्चों को वरदान देते हुए कहा, सिकिल अधे बच्चों, अपनी चंचल वृत्ति को परिवर्तन कर सतो प्रधान वायुमंडल बनाने के जवाबदार श्रेष्ठ आत्मा भव। जो बच्चे अपनी चंचल वृत्तियों को परिवर्तन कर लेते हैं वही सतो प्रधान वायुमंडल बना सकते हैं, क्योंकि वृत्ति से वायुमंडल बनता है। वृत्ति चंचल तब होती है जब वृत्ति में इतने बड़े कार्य की स्मृति नहीं रहती। अगर कोई अति चंचल बच्चा बिजी होते भी चंचलता नहीं छोड़ता है तो उसे बांध देते हैं। ऐसे ही यदि ज्ञान योग में बिजी होते भी वृत्ति चंचल हो तो एक बाप के साथ सर्व संबंधों के बंधन में वृत्ति को बांध दो तो चंचलता सहित समाप्त हो जाएगी। 11वां महावाक्य। मोस्ट बिलव्ड बाबा ने दिया इशारा, लाडले बच्चों, अलबेले बन की लहर को समाप्त करने का साधन है बेहद का वैराग्य। तो ये थे आज के मुरली के 11 मुख्य महावाक्य। ओम शांति।